बिल्कुल चलते हैं फटाफट से इंटरव्यू की तरफ। लेट्स वेलकम एक्सो मिस्टर इंडिया। वो कायम है सेंसे, वेयर आर यू सेंसे? हाय, क्या आप सुन पा रहे हैं? कैसा लग रहा है वो आपको टूर्नामेंट जीत के? इट वाज नाइस, इट वाज, यू प्लेड वेल। ये उनसे नहीं छीनना चाहूंगा मैं, ठीक है चलो कोई नहीं। मुझे तो अच्छा लग रहा है स्पीरो भाई, अगर मैं उधर सेंसे की जगह पे होता, बट सेंसे जब आएंगे उनसे ही पूछेंगे कि वो मिस्टर इंडिया भी कैसे बन पाते हैं। अच्छा टैलेंट है उनमें। सेंसे आर यू देयर? हे सेंसे, वी लव यू। स्नैक्स को बुला, स्नैक्स को बुला लीजिए, वी आर हंग्री एज वेल। आई डोंट थिंक ही नोस व्हाट इज हैपनिंग विद हिम स्पीरो भाई। आपकी चेयर दिखा रहे थे हम बहुत देर से, कैसे हैं आप सेंसे? हेडफोन नहीं, हेडफोन पहन लीजिए सेंसे, रोशनी नहीं है, रोशनी आपके करियर में, आपके करियर में बहुत रोशनी है। मैं देखना चाहूंगा चैट का रिएक्शन क्या होता है स्पीरो भाई ये देखने के बाद। हाय सेंसे, हेलो हेलो सेंसे, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, बड़ी देर से, और बहुत अभी बड़ी देर से आपका इंतजार हम यहाँ पे कर रहे थे, बहुत देर से। आई मीन अब तो आदत सी हो गई है आपको इंटरव्यू लेने की मेरे को तो। हाँ जी, वो तो हो ही गई है। तो थोड़ा सा आप बताइए ये कंसिस्टेंसी का आपका राज क्या है? आई मीन जितने भी टूर्नामेंट में देखता हूँ, हर टूर्नामेंट में टीम एक्सो पोडियम फिनिश के लिए जाते हुए नजर आते हैं। द डिसिप्लिन दैट यू गाइस शोस, जीतने की जो भूख आप में देखने को मिलती है वो अलग ही देखने को मिलती है। जी बस ऐसे ही है कि हमारा एक ही एम है कि हम हैशटैग #1 की वैल्यू मतलब समझते हैं कि हैशटैग #1 आना है। हम बाकी हैशटैग #2 से लेकर हैशटैग #16 या जितनी भी टीम खेल रही है हमारे लिए मतलब वो विनिंग नहीं है, कुछ ऐसा करा नहीं है, कुछ हमने मेहनत नहीं करी है, समझ रहे हो, आउटकम नहीं आया टूर्नामेंट का। इसलिए हम हर टूर्नामेंट में ट्राई करते हैं कि #1 आते, ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर #1 नहीं आया तो एक तरीके से जो भी हमने खेला वो टाइम वेस्ट हुआ। तो बस यही है, इसलिए हम कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करते हैं जितना हो सके। स्पीरो भाई मैं सेंसे से एक सवाल पूछना चाहूंगा, देखिए मैं प्रोफेशनल कुछ नहीं पूछूंगा क्योंकि वो तो रेगुलरली आप लोग करते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि चिकन डिनर निकालने के अलावा और क्या टैलेंट है आप में? थोड़ी बहुत कॉमेडी कॉमेडी करते हैं क्योंकि अभी मिस्टर इंडिया बने थे, आप सुनना चाहेंगे, हम थोड़ी सी कॉमेडी सुनना चाहेंगे यहाँ पे, हमारी जनता भी सुन, हम तो पूरा टाइम कास्टिंग में आज कॉमेडी करी हमने। आप भी आइए कभी कभी, वी वांट सेंसे एज अ गेस्ट कास्टर समडे, कॉमेडी करेंगे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, तब करेंगे कॉमेडी। वेल सेंसे, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आपसे पूछना चाहूंगा आपको ये फॉर्मेट कैसे लगा, 3 दिन सिर्फ 15 मैचेस एंड 3 लाख रुपीज? देखिए आजकल मोस्टली टूर्नामेंट क्या हो रहे हैं कि बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, मतलब 6 डेज 7 डेज, तो उसमें वो मजा नहीं आता। जो 3 दिन का तो 3 दिन का टूर्नामेंट था, एक मुझे बहुत बढ़िया टूर्नामेंट लगा क्योंकि इसमें इंटेंसिटी काफी थी कि भाई सिर्फ 3 दिन है, डे वन से स्टार्टिंग से सीरियस होकर खेलो, डे वन से अच्छा खेलो, क्योंकि एक दिन तुम्हारा चला जाएगा, 2 दिन तुम बेकार खेलोगे तो तुम हार चुके टूर्नामेंट। तो स्टार्टिंग से जो इंटेंसिटी थी तो वो काफी मजा आया इस टूर्नामेंट में खेलने में, एंड वही हर मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा, एंड कम बैक करने में मजा आया। वेल जी हाँ, आपका कमबैक देख के हमें भी मजा आया, स्पेशली मीरामार का मैच मुझे याद आता है सेंसे, आपने जो वो क्लच करके दिखाया था, इतनी कामनेस के साथ वो क्लच किया था 1v3, दैट वाज एक्चुअली क्वाइट अमेजिंग। थैंक यू सो मच। वो ऐसा था कि हाँ जी, एक्चुअली ऐसा था कि सोल हमारे बहुत पास थी, तो हमने जैसे ही सोल को फिनिश करा तो अगर हम भी उसी समय मर जाते तो हमारा कुछ फायदा नहीं होता सोल को नॉक करने का। तो हमने ट्राई करा कि मतलब मैंने तो पूरा ट्राई करा कि किसी ना किसी तरह इस फाइट को हम अपनी तरफ कर ले एंड पूरा टूर्नामेंट अपनी तरफ हो जाएगा इनडायरेक्टली। एंड सेंसे आपसे एक और सवाल कि पंक को क्या खिला रहे हैं, क्योंकि पंक भी यू नो आप ही की तरह क्या ही क्लच। मैं सवाल में ऐड करना चाहूंगा, ये पंक ने जब से हैकर नाम वापस रखा है ना, कुछ अलग ही सीन चल रहा है उनका। बताओ पंक, बताओ क्या चल रहा है पंक सर। ओके क्रॉस क्वेश्चन आ गया सेंसे, अब आपको बोलना पड़ेगा क्या खिला रहे हो आप। कुछ नहीं, मैं तो पंक को बस स्किल्स खिला रहा हूं जितने हो सके, स्किल्स से पेट भरता है। पंक कुछ बोल रही है, आपके फैंस वेट कर रहे हैं, इतने अमेजिंग एफर्ट इस टूर्नामेंट में आपकी तरफ से देखने को मिले, जो क्लचेस थे वो लाजवाब थे, जो परफॉर्मेंस था वो बेहतरीन था, कुछ बताइए हमारी जनता को। स्टार्टिंग से मतलब सीरियस तो नहीं खेले, बस मजे में खेल रहे थे हम, तो
यार ये तो आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, एसएन से कहते हैं आप सीरियस खेल रहे हैं, आप कह रहे हैं सीरियस नहीं खेल रहे। नहीं स्टार्टिंग मतलब मैं नहीं खेलता ना इतना सीरियस, फिर मेरे को सीरियस करता है कि भाई आप सीरियस खेलो। काफी मजा आया टूर्नामेंट में, काफी मजा आया मेरे को स्पेशली क्लचेस करके। Well, हमें आपके क्लचेस देख के और भी मजा आया एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी एक्सो ऐसे ही अमेजिंग प्रदर्शन करता रहेगा, बिकॉज आई फील दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन इंडिया इफ नॉट द बेस्ट, बिकॉज जो कंसिस्टेंसी आप लेके आते हैं इन टूर्नामेंट्स के अंदर वो काबिले तारीफ साबित होती ही है, एंड जो सीरियसनेस लेके आते हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, ऐसा ही प्रदर्शन आगे करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फाइट नाइट के चैंपियन है टीम एक्सो। थैंक यू सो मच फॉर मच। थैंक यू। Well, that was Team Exo. I mean, what an amazing guy Sensei and his team is.